पत्नी का राज। एक बार एक राजा था, उसने एक सर्वे करने का सोचा कि मेरे राज्य में लोगों की घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। उसने एक इनाम भी रखा, जिसके घर में पति का हुक्म चलता होगा उसे मनपसंद घोड़ा इनाम में मिलेगा, और जिसके घर में पत्नी की चलती है वह सब सेब लेकर जाएंगे। एक के बाद एक सभी नगरवासी सेब उठाकर जाने लगे। राजा को बहुत चिंता हुई। क्या मेरे राज्य में सभी घरों में पत्नी का हुक्म चलता है? इतने में एक मोटा तगड़ा जवान आया और बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है, घोड़ा मुझे ही दीजिए। राजा खुश हो गए और कहा, जाओ अपना मन पसंद घोड़ा ले लो। चलो, कोई एक घर तो मिला जहाँ पर आदमी की चलती है। जवान काला घोड़ा लेकर रवाना हो गया, घर गया और फिर थोड़ी देर बाद ही घोड़ा लेकर दरबार में वापस लौट आया। क्या हुआ जवान, वापस क्यों आ गए? महाराज, मेरी घरवाली कह रही है कि काला रंग अशुभ होता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, और आप सफेद रंग का घोड़ा लेकर आओ, इसीलिए आप मुझे सफेद रंग का घोड़ा दे दीजिए। अच्छा, तू घोड़ा रख और सेब लेकर चलता बन। इसी तरह रात हो गई, दरबार खाली हो गया, लोग सेब लेकर चले गए। आधी रात को महामंत्री ने दरवाजा खटखटाया। बोलो महामंत्री, कैसे आना हुआ? महाराज, आपने सेब और घोड़े इनाम में रखे हैं। इसकी जगह अगर एक मन अनाज या सोना वगैरह रखा होता तो लोग कुछ दिन तक खा सकते या जेवर बनवा सकते। मैं भी इनाम में यही सब रखना चाह रहा था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसलिए वही रखा। महाराज, आपके लिए सेब काट दूं? राजा को हंसी आ गई और कहा, यह सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, आप आधी रात को क्यों आए? महाराज, मेरी धर्मपत्नी ने कहा अभी जाओ और अभी पूछ के आओ, ताकि सच्ची घटना का पता तो चले। महामंत्री जी, सेब आप खुद ले लोगे या घर भेज दिए जाए? थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।